चमगादड़ को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो चाइना ने दिया है। आप देख रहे हैं BWB, चलिए देखते हैं कोरोना एट ए ग्लांस। चाइना के वुहान शहर की एक इलीगल लैब से शुरू होकर आज पूरी दुनिया को निस्तनाबूद कर रहा है नोवेल कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2। फैमिली कोरोनाविरिडी के अंतर्गत ये वायरस को माना जा रहा है दो वायरस का काइमेरा यानी कि कॉकटेल है। इस वायरस के वजह से जो बीमारी फैलता है उसका नाम है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्यों 188 देश अब तक इसके चपेट में आ चुका है। विस्तार के हिसाब से इन्फेक्शियस बीमारी तीन प्रकार के होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। जो बीमारी एक पर्टिकुलर शहर या राज्य तक सीमित रहता है उसको एंडेमिक कहा जाता है। उस शहर या राज्य से जब वो आसपास के इलाका में फैलना शुरू हो जाता है तब उसको एपिडेमिक या महामारी कहा जाता है। अब अगर वो एपिडेमिक बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाता है तो उसको पैंडेमिक या वैश्विक बीमारी का नाम दिया जाता है। हालांकि इस बीमारी का कोई प्रतिषेधक दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन इस बीमारी के बारे में जानकारी हम लोगों को कुछ हद तक इस बीमारी से बचा सकता है। आप देखेंगे कैसे इंसानी शरीर में एंट्री करता है ये वायरस। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स यानी छींक के जरिए नाक, मुंह और आंख से रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं ये, या तो जब आप कोई इन्फेक्टेड सामान को छू रहे हैं आपके हाथ के जरिए में भी हो सकता है इन्फेक्शन। ये वायरस पहुँचता है गले में और फेरिंग्स रीजन के सेल्स में चिपक जाता है। इसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल RNA इंजेक्ट कर देते हैं हर एक सेल्स में। वो सारे इन्फेक्टेड सेल्स बन जाते हैं वायरस प्रोडक्शन के नए फैक्टरीज। जैसे जैसे शरीर में वायरस का तादाद बढ़ते रहता है विंड पाइप होके वो सब पहुंच जाते हैं लंग्स के एल्वियोलाई में। शुरू शुरू में बुखार या खांसी का लक्षण दिखाई देता है। ये आपका इम्यून सिस्टम का एक चेतावनी है आपके शरीर को। लेकिन संक्रमण के बाद भी बहुत सारे लोगों में बीमारी का कोई लक्षण या सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। सीवियर केसेस में वायरस धीरे धीरे लंग्स के अंदरूनी हिस्से को कोलैप्स करने लगते हैं, तब जलन महसूस होता है। ऐसा स्थिति में लंग्स अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से खून में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। एल्वियोलाई यानी छोटा छोटा बलून जैसा स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है हम लोगों का लंग्स, जो एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। इस हालत में वो सब फ्लूइड से भर जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। तब पेशेंट को रखा जाता है वेंटिलेशन में। पहले से जो लोग बीमार है या जिनका इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर होते हैं उन लोगों का हालत सबसे नाजुक या क्रिटिकल होने का संभावनाएँ होते हैं। इस बीमारी का ना है कोई दवा, ना बना है कोई वैक्सीन, तो इसके साथ जीने का सलीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और फ्रिक्वेंटली अपना हाथ को साफ करते रहिए साबुन या सैनिटाइजर से। सूरज के बाहरी हिस्से यानी कोरोना जैसा स्ट्रक्चर के वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। वायरस का अंदरूनी हिस्सा में रहता है इसका जीनोम, जो एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। RNA को घेर के रखते हैं प्रोटीन का एक कवरिंग जिसको कैप्सिड नाम दिया गया है। होस्ट सेल के सुरक्षा कवच को चकमा देने के लिए बाहर रहता है ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित स्पाइक्स, जो ताला खोलने का चाबी जैसा काम करता है। होस्ट सेल्स का इम्यून सिस्टम को चकमा देने में माहिर ये वायरस तबाही मचा रहा है दुनिया भर। दुआ करते हैं कि बहुत ही जल्दी इस वायरस का वैक्सीन या दवा मिल जाए ताकि इंसानियत और मानव सभ्यता फिर से एक बार चैन से सांस ले पाए। दिन रात एक करके मेहनत करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और सुरक्षा कर्मियों को मेरे तरफ से है एक सैल्यूट।